वेब सीरीज स्टोरी एक्सपेक्टेशंस द परफेक्ट मर्डर। ये फिल्म एक अमेरिकन क्राइम थ्रिलर है। इसे डायरेक्ट किया था एंड्रयू डेविस ने। फिल्म में एक्टिंग की थी माइकल डगलस, ग्विनेथ पैल्ट्रो और विगो मॉर्टेंसन ने। इसके साथ ये फिल्म 1954 में बनी डायल एम फॉर मर्डर का रीमेक है। रीमेक बनाते समय इस फिल्म के सारे कैरेक्टर्स के नाम, यहाँ तक कि आधे प्लॉट को भी चेंज कर दिया गया था। इसके कुछ हिस्सों को फ्रेडरिक नॉट के प्ले से भी अडॉप्ट किया गया था और इसका कंप्लीट स्क्रीन प्ले इसी प्ले से इंस्पायर था। ये है स्टीवन टेलर। वो वॉल स्ट्रीट का फाइनेंसर है। उसकी शादी हुई है एमिली से। एमिली यूनाइटेड नेशंस में ट्रांसलेटर का काम करती है। आजकल स्टीवन को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने लगी है। उसी कुछ पर्सनल इन्वेस्टमेंट उसे घाटा देने लगी है। उसे अच्छी तरह पता है कि एमिली के पास $100 million है। उसने फैसला किया है कि अगर एमिली को मार दिया जाए तो उसके $100 million वो एक्सेस कर सकता है और इस तरह अपने नुकसान की भरपाई कर पाएगा। इधर एमिली का भी अफेयर चल रहा है पेंटर डेविस शॉ से। एमिली दरअसल स्टीवन के साथ रिश्ते में खुश नहीं है। उसने फैसला किया है कि उसे छोड़ देगी। कुछ दिनों के बाद स्टीवन डेविड से एक आर्ट गैलरी में मिला। स्टीवन ने कहा, मैं तुम्हारा ब्रुकलिन वाला स्टूडियो विजिट करना चाहता हूँ। अगले दिन स्टीवन डेविड के स्टूडियो में पहुँचा। स्टीवन ने कहा, मुझे मालूम है कि तुम्हारा मेरी पत्नी के साथ अफेयर है और मैंने ये भी पता लगा लिया है अपने सोर्सेस से कि तुम पास में क्रिमिनल थे। तुमने कई औरतों के साथ संबंध बनाए हैं और अमीर औरतों को लूटना तुम्हारा पेशा है। डेविड ने स्टीवन से कहा, तुम मुझसे आखिर चाहते क्या हो? स्टीवन ने कहा, मुझे मालूम है कि तुम पैसों के भूखे हो। मैं तुम्हें $500,000 दे सकता हूँ। काम बस एक है, तुम्हें मेरी पत्नी यानी एमिली को मारना होगा। डेविड ने कहा, मैं ये सब नहीं कर सकता, मैं उससे प्यार करता हूँ। इस पर स्टीवन का जवाब था, इसका मतलब है कि तुम 15 साल जेल में काटने के लिए तैयार हो। इन सब पर डेविड को एमिली को मारने के लिए हामी भरनी पड़ी। स्टीवन ने सारा प्लान बना लिया है। उसने उस डोर की जो कि एमिली के की रिंग से निकाली है, उसे सर्विस एंट्रेंस के बाहर रख दिया है। डेविड को एक की इस्तेमाल करनी है, घर के अंदर जाना है और एमिली को मारना है, और ये सब ऐसे करना है कि लगे कि रॉबरी हुई है। इसके साथ ही डेविड ने यह भी प्लान किया है कि जब ये मर्डर होगा तब वो ये दिखा पाए कि वो कहीं और था। उसने अपने काम से ब्रेक लिया और अपना सेलफोन इस्तेमाल किया एक ऑटोमेटेड बैंक सिस्टम में कॉल करने के लिए। यहाँ उसके साथ और भी लोग हैं। इससे ही साबित हो जाएगा कि स्टीवन जब ये मर्डर हुआ तब कहीं और था। इसके साथ ही उसने दूसरे फ़ोन से एमिली को फ़ोन किया। एमिली ने इस फ़ोन को आंसर किया, पर जैसे ही उसने फ़ोन उठाया पीछे से मास्क पहने अटैकर ने उस पर अटैक किया। पर यहाँ एमिली उस हमलावर पर भारी पड़ी। उसने उल्टा उस पर अटैक किया और कुकिंग थर्मामीटर से उसे स्टैब कर दिया। ये स्टैबिंग उसने उसके गर्दन में की थी, इतनी ज़्यादा कि वो हमलावर वहीं पर मर गया। बाद में स्टीवन घर लौटा। उसे तो यही लगा कि एमिली मर गई है, पर थोड़े टाइम के बाद ही उसकी गलतफहमी दूर हो गई, ये तो कोई और है। उसने हमलावर की बॉडी से चाबी को निकालकर वापस एमिली के किचन में रख दिया। इतने में यहाँ पे पुलिस का आना हुआ। डिटेक्टिव कैरेमैन को ये केस सौंपा गया है। उन्होंने आक्रमणकारी के मास्क को हटाया। यहाँ स्टीवन ये देखकर हैरान है कि ये बॉडी तो डेविड की नहीं है। बाहर से डेविड भी देख रहा है और ये कन्फर्म करना चाहता है कि वास्तव में मौत किसकी हुई है। जब उसने देखा कि एक लाश को ब्लैक बैग में रखा जा रहा है तो वो पूरा श्योर था कि एमिली ही है। अगले दिन स्टीवन एमिली को उसकी माँ के घर ले गया। यहाँ एमिली ने डेविड को फ़ोन किया और कहा, मैं ठीक हूँ और बहुत जल्द वापस आ जाऊँगी। इन सब से डेविड को ये पता चल चुका है कि एमिली नहीं मरी। अब डेविड को फ़ोन करने की बारी स्टीवन की थी। उसने डेविड को फ़ोन किया, धमकाया और कहा, तुम मुझे जल्दी समुद्री जहाज़ के अंदर मिलो, इनकी मीटिंग तो फिक्स हो गई है। उधर एमिली अपने कोवर्कर रेकल को मीट कर रही है। यहाँ एमिली कहती है, मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं स्टीवन को छोड़ ही दूंगी। कुछ दिनों के बाद एमिली ने अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल किया एक बैंक एग्जीक्यूटिव से बात करने के लिए। यहाँ उसे ये पता चला है कि स्टीवन फाइनेंशियल ट्रबल्स में है और ये सारी जानकारी उसने कैरेमैन को बता दी। कैरेमैन ने कहा, स्टीवन के पास अच्छे खासे सबूत हैं कि वो उस वक्त वहाँ नहीं था और हमें इस हमलावर के डेड बॉडी पर कोई चाबी भी नहीं मिली है। ऐसे में ये केस बड़ा उलझा हुआ है। इन सब में स्टीवन को एक कॉल आई है। ये कॉल डेविड की है। उसने एक ऑडियो टेप सुनाई है जिसमें स्टीवन डेविड से एमिली को मारने की प्लानिंग कर रहा है। दरअसल उसने उस वक्त सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था जब स्टीवन डेविड से उसे मारने की सारी बातें कह रहा था। डेविड इस ऑडियो टेप के बदले में $500,000 चाहता है। इन सब के बाद पहली बार आज एमिली अपने अपार्टमेंट में आई है, पर उसकी चाबी काम नहीं कर रही। इस चाबी से उसका अपार्टमेंट का दरवाज़ा खुल नहीं रहा। उसके दिमाग में कुछ आया
और वो हमलावर के अपार्टमेंट में गई। वहाँ उसने चाबी को लगाया और ये चाबी काम कर गई, दरवाज़ा खुल गया। अब एमिली को काफ़ी कुछ सवाल करने हैं स्टीवन से। वो उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए उसे कन्फ्रंट करती है और साथ में इस चाबी के राज को भी जानना चाहती है। स्टीवन ने कहा, तुम जिसके साथ रिश्ते में हो डेविड, वो अच्छा इंसान नहीं है। वो पास्ट में क्रिमिनल रह चुका है। वो अमीर औरतों को फंसाता है, उनसे पैसे लूटता है। वो मुझे भी कई बार धमकी दे चुका है। मैंने जब किचन में डेड बॉडी देखी तब मुझे लगा ये डेविड ही होगा, इसलिए मैंने चाबी उसकी जेब से निकाल कर तुम्हारी की चेन में लगा दिया। ऐसा करने का मेरा मकसद सिर्फ ये था कि कहीं तुम इन सब में फंस न जाओ। मैं तुम्हें पुलिस से बचाना चाहता था। आफ्टरऑल मैं अपनी बीवी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिलहाल के लिए एमिली से बातें करके स्टीवन निकला है डेविड से मिलने और उसे पैसे देने। यहाँ उसे एक नोट मिला है जो कि उसे पार्क की डायरेक्शन में आने को कह रहा है। स्टीवन डेविड को एक पार्क में मिला, वहाँ उसने उसे पैसे दिए और बदले में ऑडियो टेप ले लिया। ट्रेन के प्राइवेट कंपार्टमेंट में पहुंचकर डेविड ने बाथरूम का दरवाज़ा खोला। यहाँ स्टीवन है जिसने अचानक से डेविड पर अटैक किया, उसे स्टैब किया। स्टीवन ने डेविड की गन और पैसे दोनों ले लिए। मरता हुआ डेविड हंसने लगा। स्टीवन ने पूछा, तुम्हारी इस हंसी की वजह? डेविड ने कहा, मैंने ऑलरेडी उस ऑडियो टेप की कॉपी एमिली को भेज दी है कुरियर के थ्रू। अब स्टीवन दौड़ता हुआ घर पहुंचा है। यहाँ उसे वो मेल मिला है जो कि अभी भी खोला नहीं गया। इससे पहले कि एमिली इस रूम में आ जाए और ये सब देख ले, स्टीवन ने पैसों, गन और ऑडियो टेप को अपने सेफ में छिपा दिया। इसके बाद स्टीवन शावर लेने गया, अपने आप को डिनर के लिए ड्रेसअप किया। स्टीवन तो ये चाहता है कि वो एमिली को लिए बाहर जाए डिनर करने, पर एमिली नहीं जाना चाहती, वो यहीं पर खाना खाना चाहती है। जैसे ही फूड को लेने के लिए जा रही थी, उसने कहा, हमें अपना लॉक चेंज कर लेना चाहिए क्योंकि मेरी चाबी खो गई है। स्टीवन ने सर्विस एंट्रेंस चेक किया। यहाँ उसने देखा कि वो चाबी जिसे कि उसने डेविड के लिए छिपाया था वो अभी भी यहीं है। इसका मतलब कि उस हमलावर ने चाबी को इस्तेमाल करने के बाद वापस यहीं पर रख दिया था और स्टीवन ने गलती से उस हमलावर की पर्सनल चाबी को अपने घर का समझकर एमिली के किचन में डाल दिया था। इतने में एमिली अचानक से यहाँ आ गई। यहाँ उसने कहा, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। वो ऑडियो टेप मैंने सुन लिया है जिसे तुमने सेफ में छिपा कर रखा था। ये सब बताकर अब वो यहाँ से जाने को थी। उसने सारे रिश्ते उसे ख़त्म कर दिए हैं, पर स्टीवन ने उस पर अटैक किया। यहाँ इन दोनों में हाथापाई हुई। एमिली के हाथ में वो गन लग गई है जिसे स्टीवन डेविड को मार कर उसे छीन लाया था। इसी गन से उसने स्टीवन पर वार कर दिया। बाद में कैरमैन और उसके ऑफिसर्स का यहाँ आना हुआ। एमिली ने डेविड का वो टेप प्ले किया। इसके बाद उसने ये भी कहा कि किस तरह स्टीवन ने उस पर अटैक किया और सेल्फ डिफेंस में उसे गन चलानी पड़ी। उसने कहा, अब आगे मैं क्या करती? कैरमैन ने उस पर जवाब दिया, और भला तुम क्या करती? इसी नोट पर ये फिल्म समाप्त हो जाती है। पैसों के लालच में स्टीवन ने एमिली को मारकर उसका पैसा हासिल करने की कोशिश की, पर अंत में वही नहीं रहा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड पर।